हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्लाइसिंग को लेकर के जो कंफ्यूजन है आज के इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक की पूरी स्लाइसिंग सिर्फ एक वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन की आईडी को ओपन करते हैं और ये ओपन हो गया। अब यहां से नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला पेज तो पाइथन का होम पेज कहलाता है, ये आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। तो ए नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 कुछ नंबर को यहाँ पे स्टोर करा लेता हूँ। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8 तक कर लिया हमने। अब इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे। यहां पर स्लाइसिंग करवानी है। तो यहां पर पहला कंडीशन क्या होता है कि यहां पर जैसे लिस्ट का नाम है ए, तो ए लिख करके यहां पर एक बार कॉलन, फिर दूसरी बार कॉलन, तो ये दो बार कॉलन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आउटपुट क्या आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आउटपुट में पूरा ही ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। यहां से पहले इसको सेव करूंगा, list.py के नाम से सेव करता हूं। तो ये देखिए यहां पर पूरी ही लिस्ट प्रिंट हो रही है। 8 तक मैंने लिखा था, 8 तक पूरा प्रिंट हो रही है। यानी दो बार कॉलन लगाने से एक होता है आपका स्टार्ट और दूसरा होता है एंड। तो स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब दूसरे में क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ठीक है, उसके बारे में भी देख लिया जाए, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर ए नाम की लिस्ट है हमारी, यहां पर मैं चेंज करता हूं, यहां पे कॉलन लगा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 5, 4 कुछ भी, जैसे 4 लिख दिया। तो ये 4 लिख दिया। आप 4 लिखने के बाद यहां से इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर 4 तक रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 4 तक रिजल्ट प्रिंट हो रहा है ना। तो स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड माइनस 1 ये जो है सीक्वेंस रहता है, स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड माइनस 1। अच्छा, जब भी स्टार्ट होगा तो ये 0 मानेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 5 तक जाएगा और एंड माइनस 1 4 होगा, ठीक है ना, समझ रहे बात को। देखिए यहां पर अगर मैं 7 कर देता हूं तो 7 माइनस 1 6 तक चलेगा। देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड माइनस 1 का मतलब हो गया ये 7 तक चलेगा, मतलब 0 से लेके। अब देखिए ये चलाया मैंने तो ये 0, अब देखिए यहां पे 0 तो मैंने लिखा नहीं है, ये 1 ही 0 वाले सीक्वेंस पे स्टोर है। ये 1 है, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 वाले सीक्वेंस पे 3 स्टोर है, 3 वाले सीक्वेंस पे 4 है, 4 पे 5 है, 5 पे 6 है और 6 पे 7 है। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहां पे 0 भी दे देता हूं तब तो एकदम क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो सीधा सीधा यहां पे रिजल्ट आएगा 6, स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट 6 आएगा। तो ये देखिए देख रहे हैं 6 आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड माइनस 1 पे चलता है ये, ठीक है। चलिए अब इनको भी कमेंट करते हैं, एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं हम। अगला एग्जांपल है, फिर यहां लिखता हूं मैं प्रिंट, ठीक है। एंडिंग इंडेक्स दिया गया था, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर देता हूं, एंडिंग इंडेक्स छोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये छोड़ दिया, एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं यहां पे ए है और यहां पे 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ, 0 ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2 से स्टार्ट करेगा और एंडिंग इंडेक्स तो दिया ही नहीं गया है, तो लास्ट तक प्रिंट करता जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहां से आप 5 में करता हूं तो 2 से लेके 8 तक पूरी हर एक वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। तो देखिए 2 से लेके 8 तक हर एक वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये तीसरा एग्जांपल रहा। अब इसमें चौथा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे फिर वापस से प्रिंट लिखता हूं और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर क्या करूंगा, ऐसी स्थिति भी बन सकती है आपके साथ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 2:5 ऐसे कर दिया गया 2:5। अभी 2:5 का क्या मतलब होगा, 2:5 का मतलब हुआ ये 0 ये 1 ये 2 2, ठीक है। फिर ये देखिए 2:5 का मतलब क्या हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 4 तक ये प्रिंट करेगा, मतलब 2, 3 और 4 ये तीन वैल्यूज यही ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो यहां से 5 करता हूं तो देखेंगे कि 2, 3 और 4 यही तीन वैल्यूज आपको प्रिंट होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये हो गया, अब अगली कंडीशन भी देख ली जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो भी पॉसिबल वेज है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। तो यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा, कैपिटल मत लिखिएगा प्रिंट, प्रिंट का पी कैपिटल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इसने स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मान लीजिए मैंने दे दिया 2, ठीक है। फिर यहां कॉलन लगाया
और अब जो है अब क्या आएगा, अब स्टेप, अब देखिए स्टॉप आएगा, स्टॉप स्टार्टिंग के बाद आता है स्टॉप, ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगा फाइव कर देते हैं फाइव, ठीक है। और स्टेप क्या आएगा, स्टेप लास्ट में आता है स्टेप, तो स्टेप को मैं टू रखता हूं टू, ठीक है। और यहां पर लिस्ट किस नाम से बना है उसको मेंशन कर देते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और फिर यहां पे क्लोज कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं, बस इतना काम आपको करना है। तो ये हो गया स्टार्टिंग, ये टू से स्टार्टिंग होगा, फाइव पे एंडिंग होगा, टू फिर स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए आ रहा है आउटपुट टू और फोर आ रहा है, तो स्टार्टिंग एंड स्टेप, तो देखिए दो से फाइव तक, तो देखिए ये जीरो वन टू, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, अब एंडिंग क्या है, एंडिंग फाइव है, तो ये हो गया, ये देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो लास्ट माइनस वन होता है यानी फोर तक आता है। तो देखिए अब ये टू टू का स्टेप है, स्टेप भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो हमारा आउटपुट आया है, मैं एक बार आउटपुट फिर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए टू और फोर आया है, ठीक है। अगर आपको सिंपली सिर्फ यहां दो और फाइव दे दिया जाता तो हमने क्या कर दिया है, हमने स्टेप भी दे दिया है, लास्ट में स्टेप टू है, तो यहां से शुरू होगा, ठीक है। और ये पहले के बाद ये दूसरा छोड़ देगा, फिर तीसरा वाला देगा। अगर मान लीजिए यहां पर एट रहता, एट ध्यान दीजिएगा, तो एट में क्या होता, एट में ये होता कि जीरो वन टू यहां से स्टार्ट करता, तो टू तो प्रिंट ही करता, थ्री को छोड़ देता, फोर को प्रिंट करता, फिर फाइव को छोड़ देता, सिक्स को प्रिंट करता, ठीक है। और एट दिया गया है तो एंड वाला तो प्रिंट नहीं करेगा, तो सिक्स प्रिंट करता, फोर प्रिंट करता और टू प्रिंट करता। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, एकदम और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां से फाइव किया और यहां देखिए टू फोर सिक्स ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। अब देखिए अब इसमें एक चीज और कर लेते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे करी जाए उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर अब मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए अब यहां पे इंटर करके नीचे आते हैं, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, ये पोर्शन जो मैंने लिखा है इसको भी कमेंट करता हूं। नीचे आते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग कभी भी माइनस वन से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव जीरो से, नेगेटिव माइनस वन से, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करूंगा, एक नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं, नेगेटिव स्लाइसिंग, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहां पर ए, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे माइनस वन। क्या लिखेंगे, सिर्फ माइनस वन, सिर्फ माइनस वन लिखा मैंने, ठीक है। सिर्फ क्या लिखा है, माइनस वन, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज करके तब माइनस वन। अब देखिए ये अब यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर अगर माइनस वन मैं करता हूं, ठीक है, तो माइनस वन कहां से स्टार्ट करेगा, एट से स्टार्ट करेगा, ये जो एट है ना यहीं से स्टार्ट करेगा, तो केवल एट ही प्रिंट होगा। देखिए यहां पर अगर मैं इसको चलाता हूं, अब देखिए यहां पर देख सकते हैं खाली एट प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए यहां पे कॉलन लगा दिया, माइनस वन टू माइनस थ्री कर दिया, तो माइनस वन से लेके माइनस थ्री ये मैंने कर दिया है। अब देखिएगा तो यहां पे खाली ब्रैकेट आएगा, अब यहां पर तो माइनस थ्री पीछे तो जाएगा नहीं है, समझ रहे बात को। अब ये माइनस वन यहां से स्टार्ट हुआ है और ये माइनस टू नहीं है, माइनस टू आगे इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, समझ रहे बात को।